rules for the calculation of oxidation number. First rule, in elements in the free या uncombined state, each item bears an oxidation number of zero. कोई भी एलिमेंट क्या होगा जो उसका अनकम्बाइंड या फ्री स्टेट में होगा तो प्रत्येक एटम क्या करेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो होगा. H2O2Cl2 ये सब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो. सेकंड रूल ऑफ फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन. किसी भी एटम पे जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर. तो Mg+2 Na+2 मैग्नीशियम एटम पे +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2. तो Na+ पे +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 सो ऑन. रूल थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोस्ट कंपाउंडेड -1 बट इन परऑक्साइड H2O2 Na2O2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन इज -1 एंड सुपरऑक्साइड KO2 RbO2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन इज -1/2. फोर्थ रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 होता है एक्सेप्ट LiH NiH CH2 इज द -1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल क्या हो जाते हैं प्लस ऑलवेज +1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3 बट इन नाइट्रोजन कंबाइंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट NH3 Ni3 तो क्या हो जाएगा +3. रूल 8, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज 0. किसी भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0. रूल 9, कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज जो कोई कंपाउंड क्या रखता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों हो उसमें तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन किस तरह से निकालेंगे. तो फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू NO मल्टीप्लाई टू -NH/NC जहां N क्या है NH इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन निकाले तो क्या होगा इक्वल टू लिखेंगे सारे को पुट करके तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा